नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से करीब सवा घंटे पहले बंगाल हिंसा पर अपनी चुप्पी तोड़ी और बहुत बड़ा कमिटमेंट हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों बहनों को भी दिया, क्योंकि बंगाल की वीरभूमि में जिनकी जान गई सभी मुसलमान हैं। जहां आरा बीबी, लीली खातून, शैली बीबी, नूरनेहर बीबी, रूपाली बीबी, साजिदुर रहमान, तुली खातून, मीना बीबी, कोई नहीं बचा, सबको जिंदा जला दिया गया। बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर एजेंडा चलाते हैं और भारत को दो मिनट में अपने अपने हिसाब से बदनाम कर देते हैं। आज भी किया गया, लेकिन बंगाल में ये जो मौतें हुई हैं इनमें सिर्फ मुसलमानों की ही जान गई। प्रधानमंत्री ने कहा, 7 साल की मासूम बच्ची तुली खान के हत्यारे को बख्शा नहीं जाएगा। जिनको जिंदा जलाकर मारा गया है उस जघन्य अपराध के पापियों को छोड़ा नहीं जाएगा। इंसाफ तो होगा, और अगर ममता बनर्जी इंसाफ नहीं करेंगी तो अब की बार मोदी इंसाफ करेंगे। सोचिए, 6 महिलाओं को, 1 मुस्लिम बच्ची को, 1 मुस्लिम पुरुष को देश के किसी और राज्य में जिंदा जलाकर मार दिया जाता तो कितना हंगामा मच जाता। नेता तुरंत मोदी विरोधी लाइन लेंथ पकड़ लेते, मौलानाओं का टेप बजना शुरू हो जाता। ऐसी घटना अगर यूपी में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या बीजेपी शासित किसी दूसरे राज्य में हो जाती तो अब तक बवाल मच चुका होता। विदेशी अखबारों के पन्ने रंग दिए जाते, नई नई हेडलाइन छप जाती, तस्वीरें दिखाना मुश्किल है। लेकिन वीरभूम की डिटेल बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि इस घटना ने साबित कर दिया है कि बंगाल में शासन बचा ही नहीं, प्रशासन है ही नहीं, कानून पर, पुलिस पर, सिस्टम पर पब्लिक का भरोसा रहा ही नहीं। एक का मर्डर हुआ, बाकियों ने दूसरे का घर फूंक दिया। ना पुलिस पहुंची, ना फायर ब्रिगेड। मरने वाला भी मुसलमान, मारने वालों के लिंक भी टीएमसी से ही हैं। लेकिन इस नरसंहार पर हर मोदी विरोधी नेता की खामोशी बहुत सेलेक्टिव है। सबसे पहले मैं पश्चिम बंगाल के वीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। केंद्र सरकार की तरफ से मैं राज्य को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वो चाहेगी भारत सरकार मुहैया कराई जाएगी। वीर भूमि में मरने वाले कौन थे? टीएमसी के थे या बीजेपी से जुड़े थे? मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि बंगाल में कानून का नहीं, आतंक का राज है, और आतंक किसी को नहीं छोड़ता। मरने वालों का नाम क्या था, वो किस धर्म के थे, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। 38 साल की जहां आरा बीवी, 18 साल की लीली खातून, 32 साल की शैली बीबी, 52 साल की नूर नेहर बीबी, 29 साल की रूपाली बीबी, 22 साल के साजिदुर रहमान, 7 साल की मासूम तुली खातून और 40 साल की मीना बीबी जिंदा जलाकर मारे गए। 8 लोगों में से 6 महिलाएं थी, 1 बच्चा था, 7 लोग रिलेटिव्स थे। काजी, साजिदुर और लिली खातून की नई नई शादी हुई थी। इनका गुनाह क्या था? कुछ नहीं, सबके सब घर में सोए हुए थे, मगर हैवानों ने हमेशा हमेशा के लिए सबको गहरी नींद में सुला डाला। जब घर में आग लगती है, जब शहर फूंका जाता है तो आग धर्म नहीं देखती। हिंदुओं के घर जलते हैं तो मुसलमानों के भी जलते हैं। विडंबना देखिए, जो राहुल कल तक टेप ऑन करके मोदी को डर दिखाते थे वो आज खामोश हैं।
जो कांग्रेस दिन रात मोदी विरोध का नफरती एजेंडा चलाती थी उसकी टाइमलाइन पर भी सन्नाटा पसरा है। जो प्रियंका प्रधानमंत्री मोदी को टैग करके दिन रात तीखे सवाल पूछा करती थी, उन्होंने अभी तक ममता बनर्जी को टैग करके बीरभूम पर सवाल नहीं पूछा है। जो सुरजेवाला टॉलरेंस पर लेक्चर देते थे, अब उन्हें भी सांप सूंघ गया है। टीएमसी के वही डेरेक ओब्रायन जो इनटॉलरेंस की परिभाषा बताया करते थे, आज उन्हें अपनी सरकार की लॉलेसनेस नजर नहीं आ रही। मोदी योगी को गाली देने का एक मौका नहीं छोड़ने वाली महुआ मोइत्रा कल तक ताल ठोक के कहती थी कि यूपी का ठोक दो कल्चर बंगाल में नहीं चलेगा, मगर अब जब वीर भूमि के लोगों का ही घर फूंक दिया गया तो वो गायब हो गई। बीजेपी ने दावा किया है पश्चिम बंगाल में पिछले एक हफ्ते में कम से कम 26 पॉलिटिकल किलिंग्स हो चुकी हैं और ममता बनर्जी सीधे सीधे इसके लिए जिम्मेदार हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि बीरभूम में मरने वाले मुसलमान हैं और देश भर में इस नरसंहार के खिलाफ विरोध करने वाली बीजेपी है। 8 मुसलमानों का मर्डर हुआ लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव बीजेपी ही है। 8 मुसलमानों की मौत का इंसाफ मांगने के लिए बीजेपी के लोग ही आगे आ रहे हैं। सीट नहीं चलेगा, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। ग्रामवासी बोलचे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए। सीट का ऊपर कोई भरोसा, यहाँ का जो लोकल पीपुल है, जो पीपुल ने वोट देकर ममता जी का सरकार को लाई थी, इसका कोई उसका ऊपर विश्वास नहीं है। दे वांट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन एंड एनआईए इन्वेस्टिगेशन। हो सकता है मरने वालों और मारने वालों ने बंगाल चुनाव में अपना वोट ममता को ही दिया हो। टीएमसी के कैडर के हाथों में बम भी और जान लेने का लाइसेंस भी पॉलिटिकल क्लास से ही मिला हो। ऐसे में जो लोग दिन रात मुसलमानों के लिए इंसाफ इंसाफ की बात करते हैं, वो आज खुलकर क्यों नहीं कह रहे हैं कि दीदी के राज में 8 मुसलमानों को जिंदा जला डाला। अगर ऐसा ही कुछ बीजेपी के राज में हुआ होता तो देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते, तख्तियां निकल जाती, मोमबत्तियां निकल जाती, एंटी मोदी नारेबाजी शुरू हो जाती, मोदी इस्तीफा दो की मुहिम चलने लगती, देशी और विदेशी मीडिया में जबरदस्त माहौल बनाया जाता। महुआ मोइत्रा जैसी मोदी विरोधी नेता न्यूयॉर्क टाइम्स में ओपिनियन पीस लिखती, खबर बनती कि मोदी को कैसे हराना है, ये हमें आता है। इस वक्त जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं, ये बंगाल चुनाव में जीत के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख है जिसमें महुआ मोइत्रा ने अपना ओपिनियन पीस लिखा था। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस वीर भूमि में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया, उस घटना पर दुख जताना तो दूर, घटना के कई घंटे बाद तक महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर शोक संदेश लिखना भी जरूरी नहीं समझा। सोचिए, बंगाल के बीरभूम में इतना बड़ा नरसंहार हो गया, एक लाइन से सारे मोदी विरोधी नेता शांत बैठे हैं। बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जो मामले को दिल्ली से लेकर बंगाल तक उठा रही है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में अपराध सबसे ज्यादा वो लोग करते हैं जिनको, जो वहां पे सत्तारूढ़ सरकार है, ममता बनर्जी है, उसका राजनीतिक संरक्षण मिला होता है। क्या पश्चिम बंगाल में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है? ऐसा क्यों होता है कि वहां पे बम फेंकना इंसानों पे आम बात हो गई है, जैसे कोई खिलौना हो? एक संदेश दिया जाता है आम जनता को कि ये टीएमसी के ही हैं, इनसे डर के रहना, और अगर विरोध करने की हिम्मत जुटाई तो तुम्हारे घर जला दिए जाएंगे। हैरानी इस बात की है कि ममता यहां भी यूपी बिहार वाली पॉलिटिक्स से कर रही है। एतदिन कोताई छिले भाई, कोई उन्नाव नहीं है तो कुछ है ना, हतराश नहीं है कुछ है ना, लखीमपुर नहीं है कुछ है ना, दिल्ली से दंगा हो तो लोग मारा गया कुछ है ना, एखाने तुमरा ही घटना घटाबे, और घटना घटार पर तार पर एकदिके कोर्ट और एकदिके तुम्हारे फेसमु माने दर्शनधारी चेहरा निये टीवीते बसे पड़बे सेजे गुजे के कत गालागालीर कम्पिटिशन करते पारे। একটা ঘটনা ঘটেছে তার নিন্দা করি, আমরা তীব্র নিন্দা করি। যদি একটা 10 কোটি 11 কোটি লোক আছে এখানে, কেউ একটা আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, একটা খুন হয়ে যাচ্ছে, আমরা চাই না, কিন্তু অজান্তে হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে কি হচ্ছে না। এই ঘটনা শুধু এখানে নয়,
এখানের থেকে অনেক বেশি গন্ডায় গন্ডায় উত্তর প্রদেশ বিহার রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ উত্তর প্রদেশে হয়, গুজরাটে হয়। আমরা সেটাকে জাস্টিফাই করছি না, কিন্তু আমরা যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ঘটনা ঘটেছে অন্যায়, ঘটনার বিরুদ্ধে অ্যাকশন হবে। लगता है कैमरे पर आने से पहले दीदी ने इस नरसंहार पर अपना पूरा होमवर्क नहीं किया, क्योंकि बंगाल फाइल्स के कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो चौंकाने वाले भी हैं और दीदी की सरकार के साथ साथ टीएमसी के मर्डर कल्चर को भी एक्सपोज करने वाले हैं। इसमें एक किरदार अहम है, वो है भादु शेख, जिसकी पहले हत्या हुई थी। ये शख्स बीरभूम के इलाके में गैर कानूनी सैंड और स्टोन का बिजनेस चलाता था और गैर कानूनी काम करके इसका कद इतना बढ़ गया कि ये पॉलिटिकली ताकतवर भी हुआ और टीएमसी के भीतर ही इससे दुश्मनी करने वालों की लिस्ट लंबी हो गई। टीएमसी का एक और ग्रुप जिसे संजू शेख नाम का शख्स लीड करता था, उसकी और भादु शेख की आपसी राइवलरी थी। भादु शख्स के मर्डर में जिन लोगों के नाम FIR में दर्ज है वो सारे के सारे टीएमसी के कार्यकर्ता है। यानी बंगाल के पॉलिटिकल क्लास ने जो बम पिछले कई सालों में तैयार किए थे वो तो एक ना एक दिन फूटना ही था। बंगाल चुनाव में टीएमसी कैडर्स की हिंसा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने झेली, बड़ी संख्या में हिंदू भी मारे गए और अब टीएमसी वाले आपस में ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि पूरी बंगाल फाइल्स पब्लिक डोमेन में है, मगर मजाल है किसी की कि बंगाल में हो रहे अत्याचार पर एक शब्द कहे। सवाल तो उन मौलाना ब्रिगेड से भी है जो दिन रात मोदी को कोसते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, मुसलमान खतरे में है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, यही राग अलापते रहते हैं। ये काम अभी भी हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है, मगर किसी को बंगाल का बीरभूम नहीं दिख रहा है। हिंदुस्तान में 100% हालात बेहतर से बेहतर हो जाए, अब ये आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मुसलमानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, बाहर की हालतें तुम्हें नजर आ रही है, बाहर का तूफान तुम देख रहे हो, बाहर के सैलाब तुम देख रहे हो, भारत के बाहर बाहर के जलजले तुम देख रहे हो, तबाही का अलार्म बज चुका है, बर्बादी की घंटी बज चुकी है। 75% मुसलमान घराने की बेटियां आज कॉलेज जाना छोड़ दिया, इन लोगों की वजह से कॉलेज जाना बंद कर दिया। जय श्री राम का नारा लगाकर मुस्कान को डराना चाहते हैं मेरे भाइयों। मुस्कान आगे बढ़ती है, वो भीड़ उसके साथ आगे बढ़ती है, उसको घेरने की कोशिश करती है और मुस्कान के सामने भगवा कपड़ा लहराते हुए जय श्री राम का नारा बुलंद करना शुरू कर देता है। अरे वो रामचंद्र जी के जिसका नारा लगाकर ना जाने आज कितने मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जाती है, जिस रामचंद्र जी का नारा लगाकर ना जाने कितने मजलूमों पर जुल्म किया जाता है, आज उस रामचंद्र जी का नारा लगाकर ना जाने कितने मुसलमानों की गर्दनें यानी तलवार से काटी जाती है। मेरे भाइयों, ये लोग रामचंद्र जी के मानने वाले नहीं है। ऐसे मौलाना अब ममता के खिलाफ फ्रंट कब खोलेंगे, क्या कुछ बोलेंगे या वो भी चुप ही रहेंगे? बीरभूम हिंसा पर अभी तक जिस तरह का रिएक्शन आया है उससे तो यही लगता है कि मौलाना ब्रिगेड नेता देखकर ही अपना कैसेट बदलते हैं। बार बार हर बार इस्लामोफोबिया का टेप सेलेक्टिव ही क्यों बजता है? जो लोग मुसलमान मुसलमान करते हैं, मुसलमान यहाँ मारे गए वहाँ मारे गए, आज उन्हें बीरभूम में मारे गए 8 मुसलमान क्यों नहीं नजर आ रहे? कौन मारे गए वहाँ पर? गुजरात में मुसलमान मारे गए, मारने वाला कौन? मुसलमान नहीं था, उनको क्यों नहीं आतंकवाद बोलते? मुजफ्फरनगर के दंगे करवाने वाले कौन थे? मुसलमान नहीं थे, मुसलमान मारे गए। अगर मुसलमान आतंकवाद होते तो मुसलमान नहीं मरते। 1984 के दंगे में कौन मरे थे? मुसलमान मरे थे। मुसलमान आतंकवाद होते तो अपने मुसलमानों को नहीं मारते। आप चले जाइए मुरादाबाद की मस्जिद में, मुरादाबाद के ईदगाह में ईद के दिन पीछे से गोलियों से जो भूना गया, कौन थे गोलियों से भूनने वाले? मुसलमान थे नहीं, लेकिन फिर भी मुसलमान को आतंकवाद कहा जाता है। ये कौन सा इंसाफ है मुझे बताओ? त्रिपुरा में मारे गए भाई, 12 मस्जिदें शहीद की गई और सैकड़ों मुसलमान मारे गए, त्रिपुरा में कौन मारने वाला?
उस बॉडी के ऊपर कूदने वाला कौन? वो एक सहाफी, वो एक जर्नलिस्ट, वो एक मीडिया कर्मी, क्या वो मुसलमान था? गांधी जी को मारने वाला गॉडसे वो मुसलमान था? आयरिशन पब्लिक आर्मी खालिस्तानी वो मुसलमान है? राजीव गांधी को मारने वाले मुसलमान है? गांधी जी की हत्या करने वाले मुसलमान है? बताओ रे इनको आतंकवाद। सोचिए, एक मिनट में ऐसे मौलाना दर्जनों बार मुसलमान मुसलमान करते देख गए, लेकिन वीरभूम पर अभी तक ऐसे मौलाना ब्रिगेड का एक भी टेप रेडी नहीं हुआ है। बंगाल में मुसलमान मुसलमान को ही मार देता है और दीदी भी चुप है। तुष्टिकरण के नाम पर मुसलमानों से वोट लेने वाली ताकतें भी मुंह पर ताला लगा चुकी हैं। एक ऐसी पार्टी का नाम है कांग्रेस। दिल्ली में बंगाल से रिश्ता रखने वाले अधीर रंजन चौधरी बंगाल में राष्ट्रपति शासन की वकालत करते हैं और महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की लाइन लेंथ प्रो ममता बनर्जी हो जाती है। किसी को भरोसा नहीं होगी। वहां की ये सरकार हर बात में SIT लगा देते हैं। SIT की मतलब उनकी पार्टी की और एक अंग है। सत्तारूढ़ पार्टी की और एक अंग के नाम SIT होते हैं। SIT को लगाना मतलब और केस ना आगे बढ़े इसको इंतजाम कर देना। SIT में किसी को कोई भरोसा नहीं है। SIT को जब हमारे बंगाल की सरकार कहेगा SIT तुम सीट रहो, चुप रहो, वो सीट रहेगा। SIT को जब कहेगा कि तुम गेट अप रहो, तुम उठो, तब उठेगा। मैं जरूर महामहिम राष्ट्रपति जी को कहूंगा कि कम से कम 355 की विषय पे वो चर्चा करना चाहिए, क्योंकि बंगाल में अभी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, स्थिति बहुत नाजुक है। बंगाल में किसी का भी कोई व्यक्ति का कोई मतलब सरकार पे या पुलिस पे भरोसा नहीं है। उनको बचाएगा कौन, ये आम लोग नहीं जानते। देखो, ये हेतु परस्पर और सूढ़ बुद्धि से ये कार्रवाई की गई है और इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री और राज्य के सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश केंद्र में बैठी हुई मोदी की सरकार ये पाप कर रही है। केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग कर रही है, ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है। सियासत अपनी जगह है, मगर इतने बड़े नरसंहार पर असंवेदनशील होना भी ठीक नहीं है। मोदी विरोधियों को ये बात समझनी होगी। पब्लिक तो समझ चुकी है, मुसलमान भी समझ चुके हैं, उनको बचाएंगे तो मोदी। 25 मार्च शाम 4 बजे से हिंदुस्तान की सियासत का मेगा शो शुरू होगा। शपथ योगी आदित्यनाथ की होगी, शक्ति प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सोचिए, एक मंच पर सिर्फ मोदी और योगी नहीं आ रहे, एक मंच पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी की पूरी टॉप लीडरशिप आ रही है। जिस स्टेडियम से IPL शुरू होगा, वहां से पॉलिटिकल प्रीमियर लीग शुरू होने वाला है। नरेंद्र मोदी ने 22 में ही 24 वाली टीम तैयार कर ली है। मोदी ने इसकी पहली झलक आज देहरादून में दिखाई। पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी ने अपने फ्यूचर प्लान के कितने मैसेज दिए, देखिए एक रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी की हामी से उत्तराखंड को धामी चलाएंगे। देहरादून के इस पिक्चर में पूरे देश के लिए मैसेज है। मोदी की पार्टी देश की सियासत में इकलौती ऐसी पार्टी है जिसकी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन एक साथ एक मंच पर मौजूद है। यह कार्यक्रम पार्टी को भी और विरोधियों को भी समझाने के लिए है कि 22 से लेकर 24 तक नेता सेलेक्ट कर लिए गए हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अब क्षेत्रीय क्षत्रपों को भी पद दे दिया है और उनका कद भी बढ़ा दिया है। मोदी ने हर राज्य में नेताओं को स्थापित करना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड इसका पहला एग्जाम्पल है। देवभूमि को अगले 5 साल तक धामी ही चलाएंगे। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। खुद की सीट हार कर भी पार्टी को जिता देने वाले धामी पर नरेंद्र मोदी को फुल कॉन्फिडेंस है। धामी ने वो टास्क पूरा करके दिखाया है जो मोदी ने उनको दिया था, इसलिए धामी को CM की कुर्सी भी मिली और अपनी पसंद की कैबिनेट चुनने का अधिकार भी मिला। 8 के 8 मंत्री धामी की पसंद के हैं।
धामी और उनकी कैबिनेट के बारे में विस्तार से बताएंगे। धामी ने किसको मिनिस्टर बनाया, किसको नहीं बनाया, ये भी बताएंगे। उससे पहले बिग पिक्चर देख लीजिए। बीजेपी सेंट्रल कमांड सिस्टम में सेंटर चलाएगी। पार्टी की फर्स्ट लाइन जिसमें सबसे आगे खुद नरेंद्र मोदी हैं, सर्वोच्च सम्मानित सबसे पॉपुलर नरेंद्र मोदी के पीछे अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा हैं। इनमें से तीन नेता पार्टी चला चुके हैं और नड्डा अभी पार्टी चला रहे हैं। सेकंड लाइन में सबसे आगे योगी आदित्यनाथ हैं। सबसे बड़े सूबे के भगवाधारी मुख्यमंत्री 25 मार्च शाम 4 बजे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में सेकंड इनिंग शुरू करने वाले हैं। सेकंड इनिंग से दो दिन पहले योगी भी देहरादून आए और संतों का आशीर्वाद लिया। धामी के शपथ ग्रहण के इस मंच पर गोवा में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे प्रमोद सावंत भी पहुंचे। असम के सीएम हेमंता बिस्वा सरमा भी दिखे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी आए। गुजरात के भूपेंद्र पटेल और एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी दिखे। बहुत दिनों बाद मोदी के मंच पर राजस्थान की एक्स चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे सिंधिया दिखी। संकेतों को अगर समझे तो यहां से राजस्थान की राजनीति में फिर से चेंज ओवर आने वाला है। 2023 के राजस्थान चुनाव से पहले वसुंधरा की वक्त अब बढ़ने वाली है। नरेंद्र मोदी ने 24 की सेना तैयार कर ली है। स्ट्राइक शुरू होने वाली है 24 में। इंडिया के इस मैप को पूरी तरह भगवा रंग में रंगने के लिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में, पुष्कर धामी उत्तराखंड में, प्रमोद सावंत गोवा में स्थापित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश को शिवराज ही चलाएंगे। असम में हिमंता बिस्वा सरमा फिक्स हो चुके हैं। हरियाणा को मनोहर लाल खट्टर अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। गुजरात भूपेंद्र सिंह पटेल के हाथों में सिक्योर है। कर्नाटक में वसोराज बोम्मई भगवा ध्वज थाम कर बढ़ रहे हैं। राजस्थान में वसुंधरा, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में रिपीट किए गए हैं। इसी तरह योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में और प्रमोद सावंत गोवा में फिर से गद्दी पर बैठने जा रहे हैं। तीनों राज्यों को संभालने जा रहे मुख्यमंत्रियों की उम्र 50 से कम है। यूपी के सीएम आदित्यनाथ 49 साल के हैं, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत 48 साल के हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अभी सिर्फ 46 साल के हैं। बीजेपी ने नए प्रयोग करने की जगह मिशन 2024 पर फोकस किया है। आजमाए हुए चेहरों को और मजबूत करके उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है। इसके तीन मैसेज हैं। नंबर एक, चार राज्यों में बहुमत मिलने के बाद भी बीजेपी 2024 से पहले कोई प्रयोग नहीं कर रही। नंबर दो, 24 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को नई धार दी जा रही है। और नंबर तीन, भविष्य की राजनीति के लिए नया और युवा नेतृत्व तैयार किया जा रहा है। कम उम्र में बड़ा दायित्व देकर मोदी ने तीनों मुख्यमंत्रियों को भविष्य के लिए और मजबूत कर दिया है। कई लोग पूछते हैं कि नरेंद्र मोदी का फ्यूचर प्लान क्या है, मोदी की आगे की सोच क्या है। आगे की सोच यही है, अब लड़ाई सिर्फ कांग्रेस से नहीं है। कांग्रेस ना सेंटर में मजबूत है ना स्टेट में। बीजेपी को रीजनल पार्टियों के रीजनल लीडर से चुनौती मिलती है। बंगाल में ममता को दिल्ली से हराना मुश्किल है, इसीलिए शुभेंदु को ताकत दी जा रही है। राजस्थान में अशोक गहलोत को वसुंधरा हरा सकती है, इसीलिए वसुंधरा आज मोदी के मंच पर आमंत्रित की गई। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी को देवेंद्र फडणवीस टक्कर दे रहे हैं, इसीलिए महाराष्ट्र में देवेंद्र ही नरेंद्र मोदी के सिपहसालार हैं। योगी के सामने अखिलेश नहीं टिक पाते, इसलिए योगी अब यूपी में फिक्स हैं। योगी की बात आज कम करेंगे, 25 को ज्यादा करेंगे। आज बात पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। धामी 2012 और 2017 में खटीमा सीट से विधायक बने। 22 के चुनाव में वो खटीमा से ही करीब 6000 वोटों से हार गए, मगर हारने के बाद भी मोदी ने उनकी ताजपोशी करा दी। धामी के पास LLB और डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है। पुष्कर सिंह धामी के पिता सेना में सूबेदार थे। 1990 में उन्होंने ABVP से राजनीतिक करियर शुरू किया। 2002 से 2008 तक धामी उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। पुष्कर सिंह धामी RSS से भी जुड़े रहे हैं। हमारा संकल्प है जो विकल्प शहीद है उत्तराखंड के अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, शासन पहुंचे, हमारा विकास पहुंचे और 2025 जब हमारा राज्य 25 वर्ष का होगा
जब हम इसके सिल्वर जुबली वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हमारी सरकार काम करेगी। सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारण का मंत्र, ये मंत्र लेकर हम पूरी पारदर्शिता के साथ चीजों को सरल करेंगे। हमारी सरकार लोगों के गांव गांव तक जाएगी, घर घर तक जाएगी और जो भी अच्छे समाधान हो सकते हैं उन समाधानों को करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि ये आने वाला दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा, इसको उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है और जो भी हमने संकल्प लिए हैं उन सभी संकल्पों पर आज से ही हमारी सरकार काम करना प्रारंभ करेगी। धामी के शपथ ग्रहण में आकर नरेंद्र मोदी ने क्लियर मैसेज दे दिया कि पुष्कर धामी ही उत्तराखंड के नेता हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के जितने गुट हैं सबको धामी की बात माननी पड़ेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी और उनकी पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड राज्य को एक नई ऊंचाई देने में उनका यह मंत्रिमंडल पूरी तरह से कामयाब होगा। मोदी, योगी और पुष्कर सिंह धामी, दो पहाड़ी एक हिमालय का तपस्वी, उत्तराखंड में बीजेपी के लिए इससे पावरफुल इमेज नहीं हो सकती। ये कॉम्बिनेशन 22 में जीता है, 24 में भी जीतेगा और 27 में भी जीतने की गारंटी है। उत्तराखंड वासियों ने जो योगदान दिया है उसके प्रति आभार व्यक्त करने श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर बनी नई सरकार को अपनी शुभकामना देने के लिए और विश्वास व्यक्त करते हैं कि प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। सर, आपकी तो ये जन्मभूमि रही है और यूपी आपकी कर्मभूमि रही है, तो क्या कहेंगे सर? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों मिलकर के प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाएगा। अब उन मंत्रियों से आपको मिलवाते हैं जिनको पुष्कर धामी ने अपनी कैबिनेट में जगह दी है। इनमें पहला नाम है सतपाल महाराज का। चौबट्टा खाल से लगातार दूसरी बार जीते, धामी की पिछली सरकार में भी मंत्री थे। 1996 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीता, रेल राज्य मंत्री और वित्त राज्य मंत्री बने, आध्यात्मिक गुरु के तौर पर भी पहचान है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवरत्न चुने हैं और यहाँ पर नवरत्नों को दिलाई गई है। निश्चित रूप में विकास हमारा एजेंडा है, इसके साथ साथ बेरोजगारी दूर करना हमारा एजेंडा है ताकि जो लोगों को नौकरी मिले और बेरोजगारी दूर हो। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि विंटर डेस्टिनेशन भी हम बनाएं और हमारे टूरिज्म के अंदर समर और विंटर डेस्टिनेशन दोनों उत्तराखंड को बनाएं और उत्कृष्ट डेस्टिनेशन बनाने का हमारा प्रयास होगा। धामी के दूसरे मंत्री हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल। प्रेमचंद्र अग्रवाल भी परफॉर्मर हैं। ऋषिकेश विधानसभा सीट से चुनाव जीते, लगातार चौथी बार विधायक बने, 2017 से 2022 तक विधानसभा अध्यक्ष रहे। ये उत्तराखंड की जनता का मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने हमें दूसरी बार यानी कि एक भरोसा हमारे पे जताया है और एक मिथक तोड़ा है कि पहले कांग्रेस फिर भारतीय जनता पार्टी फिर कांग्रेस फिर भारतीय जनता पार्टी। इस बार जो मिथक तोड़ा है इसमें माननीय मोदी जी का भी हमारे ये मिथक तोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ, जनता का धन्यवाद कर रहा हूँ और निश्चित रूप से 5 साल जनता ने जो हमें काम हमने करके दिखाया पूरे 5 साल और उस भरोसे पे जनता ने हमें अपना जनादेश दिया है। मैं यही कह सकता हूँ कि आने वाले इस 5 साल में जनता के उन कसौटियों पर हम खड़ा उतरेंगे। गणेश जोशी पहाड़ों की रानी मसूरी को अच्छी तरह समझते हैं, गुटबाजी से दूर रहते हैं, इसलिए कई सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। देहरादून से मसूरी की दूरी बहुत कम है, इसे गणेश जोशी ने इस बार भी साबित कर दिया है। गणेश जोशी मसूरी से लगातार चौथी बार जीते हैं। राजनीति में आने से पहले सेना में सेवा दे चुके हैं। 1976 से 1983 तक सेना में सैनिक रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन में भी गिरफ्तारी दी थी। मेरा संकल्प है कि जो सैन्य धाम मोदी जी की परिकल्पना मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, 2024 से पहले हम उसको पूरा करेंगे। साथ ही दो पूर्ण बहुमत हमें इस प्रदेश की जनता ने दिया है उस पर खरा उतरते हुए इस प्रदेश का समग्र विकास करना ये हमारी जिम्मेदारी होगी। जो धीरे योजनाएं उनको हम पूरा करेंगे, 5 साल का समय हमारे पास है और आज मोदी जी हमें आशीर्वाद देने यहाँ पर आए हैं, इससे हमें ताकत मिली है। जहाँ कहीं हमें दिक्कत आएगी तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद उत्तराखंड की जनता के साथ होता है। धन सिंह रावत श्रीनगर गढ़वाल से जीत कर आए हैं, धामी के साथ उनका पुराना रिश्ता है, आरएसएस में काम करने का एक्सपीरियंस भी उनके प्रोफाइल में शामिल है। धन सिंह रावत ने भी धामी की तरह एबीवीपी से शुरुआत की, आरएसएस प्रचारक के तौर पर भी काम किया, इतिहास और पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी की डिग्री। 2017 में राज्य मंत्री बनाए गए, इस बार कैबिनेट रैंक मिली है। हमारे कैबिनेट बनी है उसमें अनुभवी लोग भी हैं, युवा लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं और एक
उत्तराखंड के हर वर्ग को कैबिनेट में रखा गया है और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो ऐसा हमारा प्रयास रहा। रेखा आर्या धामी कैबिनेट की महिला फेस है। अल्मोड़ा की सोमेश्वर सीट से जीतने वाली रेखा आर्या दूसरी बार मंत्री बनी है। रेखा आर्या धामी की पिछले कैबिनेट में भी मंत्री थी। पिछले कैबिनेट में महिला एवं बाल कल्याण मंत्री थी। सोमेश्वर सीट से वो तीसरी बार विधायक बनी है। और जिस प्रकार से इस इतिहास रचने में महिलाओं की भूमिका रही है उसके प्रतीक के रूप में आज मुझे शपथ लेने का मौका मिला है और आज दूसरी बात मैंने अपनी शपथ ली है। निश्चित रूप से मैं अपने सरकार का और अपनी पार्टी का बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि हमारे जो ये 5 साल होंगे निश्चित रूप से विकास को समर्पित होंगे। युवा खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से है। यहां सरकारी संपत्ति की नीलामी से दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। नीलामी रुकवाने के लिए पहुंचे ग्रामीणों से पुलिस पर उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। ग्रामीणों के पथराव में करीब 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। रूस यूक्रेन जंग को 1 महीना होने वाला है लेकिन अब तक पुतिन यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया। हर दिन के साथ अब रूस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अब न रूस हार सकता है न युद्ध छोड़ सकता है। अगर रूस का वजूद खतरे में आ गया तो रूस क्या करेगा, यह पुतिन ने दुनिया को बतला दिया। रूस के पास इसी दिन के लिए परमाणु बम रखे हुए हैं। तो पुतिन परमाणु युद्ध का ऑर्डर देना चाहते हैं। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक, फ्रांस से लेकर जापान तक, बाइडन से लेकर स्कॉट मॉरिसन तक सिर्फ न्यूक्लियर वॉर, एटॉमिक बम की बात हो रही है। दुनिया डर रही है और डराने वाले व्लादिमीर पुतिन है। С праздником вас! С днем великой победы! Ура! बात नाटो से शुरू हुई, यूक्रेन जंग पर आ गई और अब युद्ध से परमाणु युद्ध पर जा पहुंची। दुनिया एक ही सवाल बार बार पूछती थी, क्या परमाणु युद्ध हो सकता है? रूस का जवाब आ गया, हां हो सकता है। ये दुनिया के सबसे बड़े, सबसे विध्वंसक न्यूक्लियर बम की ओरिजिनल फुटेज है जो साल 2020 में पहली बार विश्व के सामने आई। वर्ल्ड का सबसे बड़ा परमाणु बम। जो जापान पर गिराए गए एटम बम से 3,333 गुना शक्तिशाली है। और ये परमाणु बम रूस के पास है जिसका बटन पुतिन के हाथ में है। पुतिन सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्को ने एक इंटरव्यू में कहा, अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा होगा तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बयान उस वक्त आया है जब यूक्रेन में यूक्रेनियन और रशियन सेना जंग में है। हर रोज धमाके हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इमारतें गिर रही हैं, लेकिन इस जंग को रूस ने अब तक स्पेशल ऑपरेशन माना है, फुल वॉर नहीं। रूस का हर एक अधिकारी, हर एक नेता, प्रवक्ता वही बोलता है जो पुतिन सोचते हैं, जो पुतिन दुनिया को सुनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है
यूक्रेन जंग के बीच अचानक न्यूक्लियर वॉर का मुद्दा उठा है। बल्कि इस जंग की पहली गोली चलने से पहले, सेना के बॉर्डर तक पहुंचने से पहले पुतिन ने साफ साफ कह दिया था, युद्ध होगा तो परमाणु युद्ध भी हो सकता है। शायद दुनिया को तब ये बात समझ नहीं आई। क्या आप समझते हैं अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो वो क्रीमिया को सैन्य ताकत से वापस लेने की कोशिश करेगा और इसमें यूरोपीय देश अपने आप रूस के खिलाफ जंग में शामिल हो जाएंगे। ये सच है, नाटो संगठन की सैन्य ताकत का रूस से मुकाबला नहीं है, हम ये भी जानते हैं। लेकिन हमको ये भी पता है, हम रूस सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। रूस के पास बहुत देशों से ज्यादा एटम बम है। इस जंग में कोई विजेता नहीं होगा और आप अपने आप को ऐसी जंग में फंसा पाएंगे जिसको रोक पाना आपके बस में नहीं होगा। पुतिन के दिमाग में क्या चलता है, उनका अगला कदम क्या होगा, वो क्या चाहते हैं, ये कोई नहीं समझ पाता। पुतिन के चेहरे पर ना कभी टेंशन नजर आई ना डर। एक बात पुतिन के बारे में सब जानते हैं, पुतिन अपने मुल्क रूस से बहुत मोहब्बत करते हैं और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पुतिन ने कहा था, अगर रूस नहीं रहेगा तो इस ग्रह के रहने का क्या मतलब, अगर रूस पर हमला होता है तो मैं उसकी रक्षा में कुछ भी करूंगा, चाहे वो मानवता के खिलाफ हो या फिर दुनिया के। अब यही बात पुतिन सरकार ने फिर दोहराई है। रूस को लगता है कि एक ना एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब परमाणु युद्ध होगा, वजह कुछ भी हो लेकिन न्यूक्लियर जंग होगी। इसकी तैयारी कई दशकों से अमेरिका भी कर रहा है और रूस भी। सबसे पहले बात पुतिन की न्यूक्लियर पावर की, परमाणु शक्ति में रूस सबसे आगे है, सबसे खतरनाक भी। रूस ने 1570 परमाणु बम डिप्लॉय कर रखे हैं, यानी हमला करने के लिए किसी भी वक्त रेडी। 4805 न्यूक्लियर बम रिजर्व में रखे हैं रूस। जल, थल और नभ तीनों क्षेत्रों से परमाणु हमला करने का मादा रखता है। अभी तक आपने सुना होगा न्यूक्लियर हमला ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन पहली बार आपको वो डिटेल बता रहे हैं जिसको रूस ने सीक्रेट रखा था। पुतिन का न्यूक्लियर वॉर प्लान डिकोडेड। रूस अगर न्यूक्लियर वॉर शुरू करता है या उसको हमला करना पड़ता है, ये काम उसकी स्ट्रेटजिक मिसाइल फोर्सेस करेंगी, जिसका काम है परमाणु हथियारों की सुरक्षा करना और जंग में इनका इस्तेमाल करना। स्ट्रेटजिक मिसाइल फोर्सेस दो हिस्सों में काम करेंगी। पहली स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव फोर्स, जिसके पास 2440 न्यूक्लियर बम है, ये लंबी दूरी वाले टारगेट को लॉक करेंगी। दूसरी है नॉन स्ट्रेटजिक फोर्स, जिसके पास 1875 परमाणु बम की जिम्मेदारी है, ये मध्यम दूरी वाले टारगेट पर हमला करेंगे। इसके अलावा रूस एयरफोर्स के पास 495 एटॉमिक वेपन है, नेवी के पास 905 परमाणु बम है और रशियन आर्मी के पास 90। रूस की सेना की वर्किंग बाकी सेनाओं से काफी अलग है। रूस की न्यूक्लियर फाइल्स के पन्ने जब आप पलटेंगे तो यकीन करिए, छोटी से छोटी बातों का पूरा जिक्र है, जैसे किस प्लेन से कितनी बार कितने बम गिराए जाएंगे। रूस बॉम्बर प्लेन के जरिए 580 एटॉमिक बम गिरा सकता है, TU-95 MS बॉम्बर से 448, TU-160 बॉम्बर से 132। रूस के न्यूक्लियर प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो दुनिया के किसी भी हिस्से में तबाही मचा सकती है। इसका एहसास अमेरिका को अच्छे से। रूस ICBM से 1136 न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, सबसे ज्यादा सैटर्न मिसाइल से 460 परमाणु बम से हमला हो सकता है। इसके बाद सबमरीन मिसाइल से 720 एटॉमिक बम लॉन्च हो सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।